रमजान मुबारक के इख्तिताम पर सदकाए फितर अदा किया जाता है, जिसमें गरीबों की गम खुवारी भी है। रोज़ों में होने वाली कोताहियों का तदारुक और उसकी तलाफी का फायदा भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म भी दिया है और इसके फ़ज़ाइलों फ़वाइद भी ज़िक्र किए हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलल्लाह आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सदकाए फितर रोज़ेदारों को बेकार और बेहुदा बातों से पाकीज़गी और मसाकीन को खिलाने के लिए मुकर्रर फरमाया। बस जिसने इसको ईद की नमाज से पहले अदा कर दिया तो ये मकबूल सदकाए फितर है, और जिसने ईद की नमाज के बाद इसको अदा किया तो इसने ये एक आम सदका दिया। यानी कि सदकाए फितर ईद की नमाज से पहले अदा कर देना चाहिए, सदके के बराबर फजीलत नहीं रखता। जिक्र करता अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि की हदीस में सदकाए फितर का एक फ़ायदा भी जिक्र किया गया है, जिसका मतलब ये है कि सदकाए फितर के ज़रिए गरीबों और दीगर ज़रूरतमंदों के खाने का भी इंतज़ाम हो जाता है और इसकी मदद भी हो जाती है, वो भी किसी न किसी तौर पर अपने घर वालों के साथ ईद की खुशियाँ मनाने में शरीक हो जाता है और गरीबों और मसाकीनों की मदद हो जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के रसूल अकैदु जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सदकाए फितर को फ़र्ज़ यानी वाजिब करार दिया और फरमाया, गरीबों को इस दिन गनी कर दो, यानी उनके साथ माली मुआमलत करो। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये इरशाद मंजूर है। रमज़ान मुबारक के रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान लटके रहते हैं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सदकाए फितर के बग़ैर नहीं उठाया जाता, यानी कबूल नहीं किया जाता। यानी अगर हम सदकाए फितर अदा ना करें तो ना ही गरीबों मसाकीनों और दीगर ज़रूरतमंदों की मदद होगी, बल्कि हमारे रोज़े भी कबूल नहीं होंगे। एक और रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदकाए फितर वाजिब है, गेहूँ में से एक तो आदमियों की तरफ से हर एक की जानिब से आधा आधा सा होगा, ख्वाह छोटा हो या बड़ा, आज़ाद हो या गुलाम, मर्द हो या औरत। और एक रवायत में आता है, एक रवायत के मुताबिक गनी हो या फकीर,
अल्लाह तबारक व तआला इस मालदार को सदकाए फितर अदा करने की वजह से पकीज़ा तो बना देता है, और फकीर जो मालिक नसाब ना हो इसको इससे ज़्यादा अनायत फरमाता है जितना इसने सदकाए फितर के तौर पर दिया है। हजरात फकहा कराम रहमतुल्लाह अलैहि अजमाईन फरमाते हैं, सदकाए फितर की अदायगी से तीन बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं। पहला, रोज़े कबूल हो जाते हैं। दूसरा, कामयाबी मिलती है। और तीसरा, मौत की सख्ती और कब्र के अजाब से निजात हासिल होती है। अल्लाह पाक हम सबको सदकाए फितर अदा करने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।